निग्रहित हुआ मन पारस है, अमृत है, कल्पवृक्ष है, सब कुछ है। जिसे यह प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। संयमी मन में जो अद्भुत शक्तियाँ हैं उनका ठीक प्रकार प्रयोग करके सब कुछ पाया जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पुस्तक परिचय। हम सबके जीवन में अनेक आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ आती है, जिनकी वेदना में हम तड़पते रहते हैं। पर क्या हम यह जानते हैं कि उनमें से अधिकांश काल्पनिक और स्वरचित होती है? इन सब दुखों का मूल कारण क्या है? इन सब का मूल कारण है हमारा कुसंस्कारी मन। मन ही वह औजार है जिसके द्वारा हम छोटे बड़े कार्यों का संपादन करते हैं। पाप पुण्य, उन्नति अवनीति, स्वर्ग और नरक की रचना करते हैं। पर क्या हम अपने इतने महत्वपूर्ण औजार का सही उपयोग जानते हैं? नहीं। यदि हम मन का ठीक प्रकार उपयोग करना जान जाएं, तो हमारे आधे से अधिक कष्टों का अपने आप अंत हो जाएगा। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें एक ऐसी साधना विधि का वर्णन है जिसके द्वारा अपने मन पर काबू पाकर उसे ठीक प्रकार चलाने की विधि का वर्णन किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। मन को वश में करने की प्रक्रिया, जिसे संयम के नाम से पुकारा जाता है। पतंजलि ऋषि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन चार अंगों में बांट दी है। यह विभाजन होते हुए भी मूल तत्व एक ही है। मनोबल, आत्मनिग्रह, एकाग्रता, चित्त संयम, यह एक ही बात है। बुराइयों को उगल दो, बुरे विचारों को उगल दो, ढूंढ ढूंढ कर एक एक अनावश्यक तथा असामायिक स्वभाव तथा विश्वासों को झाड़ू लेकर बुहार डालो। कूड़े कचरे को घर से बाहर फेंक देते हैं और फिर उसे घर में नहीं आने देते। इसी प्रकार कुसंस्कारों का परित्याग कर दो, इनसे सारा संबंध छोड़ दो और फिर भूलकर भी उन्हें ग्रहण न करो। त्यागे हुए मल, मूत्र या वमन के प्रति जैसे घृणा होती है, वैसे ही पापों से घृणा करो। यह प्रत्याहार है। अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करो, विश्वास करो कि हम परमात्मा के पवित्र अंश है। अनुभव करो कि हमारे अंदर योग्यता और शक्ति की कुछ भी कमी नहीं है। भली आदतें, ताकतें हमारे अंदर काफी तादाद में हैं। उन्हें हम मनचाही मात्रा में बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा कर रहेंगे। राजयोग। लक्ष्य भेद का गुप्त रहस्य। अपने उद्देश्य में इस प्रकार तन्मय हो जाना है कि लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न पड़े। द्रोणाचार्य। कुविचार और कुसंस्कारों को दूर करके सद्भाव और सत्कर्म में नियोजित कर देना राजयोग का उद्देश्य है। मनोनिग्रह की प्रक्रिया उसके अंतर्गत इसी दृष्टि से बताई गई है। सच्ची संपदाएं बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा सुख संसार में नहीं, अंतःकरण में है। इसलिए सब प्रकार सच्चे रूप से सुख शांति उपलब्ध करने के लिए मनोभूमि को सुधारने और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करना होता है। यह मनोनिग्रह है। इस प्रयास की पूर्णता ही राजयोग की समाधि है। पुस्तक के कुछ बिंदु। राजयोग, मनोनिग्रह, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।